ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਈਜ਼ੀ ਕੁੱਕ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ 1/2 ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਘਿਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੰਘਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਘਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਗਲਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਘਿਓ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਡੱਬਾ जे अपन जरूरत पई तो आप ये होर ले लेंगे देखते हैं आप जो बेसन भुनते हैं तो अपने शुगर पाउडर ली है तो जी अपने नारियल का पाउडर लिया है नारियल का बरादा कहने जीनू वैसे ये जो अपने बेसन के लड्डू है बहुत ही थोड़े घ्यो के बनाने हैं थोड़ा बहुत ही थोड़ा घ्यो यूज़ करना मैं ये थोड़ा जि घ्यो है जोड़ा पा लगी हाँ 1/2 किलो बेसन के लिए मैं ये वालियाँ सब तो पहला दो कड़छियाँ पावगी जी जे लोड़ हुई मैनू तो फिर मैं बाद होर ऐड कर लाँगे अपना देख के ये कोई बड़ी गल नहीं जी हैगी फिर दोबारा भी जे अपन थोड़ा घट लगे घ्यो है जोड़ा वो वरत्या जा सकता है ये एक कड़छी अपने पहला पा ली जी तो एक कड़छी है जी मैं होर पा लगी हाँ ये जी मैं 1/2 किलो बेसन लई है दो घ्यो दियाँ देसी दियाँ कड़छियाँ पाइया जी तुसी कोई भी ऑयल वरत सकते हैं पर देसी घ्यो ज़्यादा चंगा होंदा वरतन दे लई ना देसी घ्यो वरत्या जाए तो ज़्यादा अच्छा है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं जे तुसी दूजा घ्यो होर भी कोई पाउणा चाहुंदे आ तां ओह भी वरत सकदे हो लो जी हुणे मैं 1/2 किलो जिहड़ा बेसन है ये मैं कड़ाही दे विच पाउण लगी हाँ जिहड़ी ये कड़ाही है जी आपां ने हमेशा भारी थल्ले वाली वरतनी है जिहड़ी भारी कड़ाही होवे ओही वरतनी है मैं 1/2 बेसन है जी जिहड़ा विच पाता इहनू मैं हिला दिंदी हाँ तो गैस है जोड़ा अपना सिम है ये सिम गैस से ही अपने भुनना है तो बाकी जो 1/2 बेसन रह गया उन्होंने आप दोबारा पा लें इन थोड़ा बिच मिक्स करके फिर आप दूजा दोबारा पा लें बचा हुआ ये लो जी आप जो अपने को दूजा बेसन पे आप ये भी पा लें ये है जी हुण आपां इहनूं ना इहदे विच मिक्स करदे आं इहदे विच जी आपां ने दो कड़छियां पाईआं सी घिओ दीआं हुण आपां इहनूं बिल्कुल मिक्स करके देखदे आं जरूरत होई आपां नूं आपां होर पावांगे इहदे विच होर पा लांगे विच लो जी जिहड़ा बचिआ होइआ बेसण है ये भी मैं सारा ही इहदे विच हूँ पा दिता है ये अपना 1/2 किलो 1/2 किलो बेसन है जी जिहड़ा आपां ने कड़ाही दे विच पा लिया है हुण आपां जी इहनूं सिम गैस ते चंगी तरह भुन्नांगे बेसन नूं आपां देखदे हां अज्ज सिर्फ अपनियां ये जिहड़ियां ये वालियां है आपां ने दो कड़छियां ही पाईआं है तो देखते हैं अपन कोई ज़्यादा अपने घ्यो नहीं ये पाना है बिल्कुल अपने थोड़े घ्यो के जोड़ा बेसन भुन के ये लड्डू बनाने हैं पहले आप चंगी तरह मिक्स करते हैं ये जी हम आप कड़ाही बेसन है जोड़ा मिक्स कर रहे हैं फिर मैं थोनों बेसन पूरा मिक्स करके थोड़ा दिखाई है मैं अगे ये अपने जोड़ा बेसन है जी सिम गैस से ही हैगा रखना है सिम गैस से ही इनू भुनना है अपने इनू हल्का हल्का करके भुनना है इनू यह नहीं भी हेठा ये जल जाए फिर वो जो टेस्ट है वह खराब हो जाएगा इस करके अपने सिम गैस से रख के इनू हौली हौली भुनते रहना है देखो जी अजे अपने सिर्फ दो कड़छियां है ये घ्यो दियां पाई हुई तो यह दो कड़छियां है जड़िया हूँ बिल्कुल जोड़ा हैगा घ्यो हौली हौली जी अपने दिस रहा है कुछ बेसन में लग्या हुआ ना सारा बिच हौली हौली मिक्स हो जाएगा तो अपने इन हौली हौली जी मिक्स करना है ये आप हम मिक्स कर रहे हैं तो मैं थोड़ा फिर दिखाई है हाँ जी ये देखो हमने मैं लगातार हिला हुए जोड़ी दो कड़छियां घ्यो दियाँ पाइया से अपने देसी दिन वो ही हूँ तक मैं भुनने ये मैं सिम गैस से 10 मिनट हो गए इनू भुनते हुए क्योंकि स्लो ही भुनना है ये तेज़ तेज़ गैस से नहीं भुनना इन 10 मिनट लग गए जी भुनन देखो हूँ इदा है हूँ ये ना मैं थोड़ा जहा घ्यो होर पा ली है थोड़ा ज़्यादा सुक्का लग रहा है
जे अपने घ्यो नहीं पाना आप इस टाइम ये मलाई भी पा सकते हैं। मलाई के रख के स्लो तो ही मलाई के थोड़ा जहा होर इन आप रोस्ट करा। देखो ये तो पहला नालों जो कलर है बेसन का चेंज हो गया है, ये काफ़ी जोड़ा भुनिया गया थोड़ा जो अपने होर भुनना पैना है। तो हूँ आप थोड़ा जहा के पा लें। तो मेरी ये कड़छी है तो तुम ये जरूर ध्यान रखना, मेरी ये वाली है इन्नी एक ये कड़छी मैं तुम्हें चंगी तरह दिखाई है। अद्धा किलो अपने बेसन लिया, दो कड़छियाँ मैं घ्यो दियाँ पाइया सिर्फ ये हूँ मैं मलाई नहीं पानी। जो तुम मलाई पानी है इतने इस टाइम पर 10 मिनट जिमें भुन लिया थोड़ी जी स्लो उसे अपना गैस से ही अपने भुनना है। तो उसके बाद हम मैं लग रहा है मैं थोड़ा जहा होर पा ला जा इतने ये इस टाइम वो भी पा सकते हो मलाई पा सकते हो फिर सू घ्यो पाने की लड़ नहीं हैगी होर। ये देखो जी हूँ मैं ये है जी एक कड़छी है जी वाली होर पा ली है ये घ्यो की। ये जी देखो मैं एक कड़छी है जी होर लै ली है, ज़्यादा भी भरी भी नहीं ज़्यादा थोड़ी घट ही रखी है। ये मैं पा लिया तो हूँ आपां इहनूं फिर भुन्नांगे। ये हूँ 5-7 मिनट आपां नूं होर भुन्नना पैना है। उस तों बाद ठंडे होए दे विच फिर आपां ने मिठा पाउणा है। मिठा कोई भी तुसीं शुगर पाउणी है शुगर पाउडर पाउणा है जां तुसीं खंड पाउणी है। वैसे शुगर नालों ना क्योंकि आपां ने ज़्यादा घ्यो की वरतों नहीं करनी है ड्राई ड्राई ही रखना है इस करके जिहड़ी हैगा शुगर पाउडर जां खंड वो ज़्यादा वधिया रहिंदी है इहदे दे लई इही आपां वरतनी चाहीदी है। शुगर पाउडर भावें तुसीं बाजार तों मार्केट तों ले आओ जां तुसीं घर ही शुगर तों तैयार कर लो। शुगर है जिहड़ी अपना मिक्सर जार दे विच पाओ, चलो जी 2 मिनट दे विच 2 मिनट भी नहीं लगते उन्हों चलाओ मिक्सर जार नूं ते जदे नाल दी नाल जिहड़ा शुगर पाउडर है वह बन जाता है। देखो जी ये अपना कलर चेंज हो गया इहदा ते बस थोड़ा जिहा होर चेंज हो जाए फिर आपां नारियल दा जिहड़ा बरादा उह पा दांगे। ते तुसीं इहदे विच इत्थे ड्राई फ्रूट भी पा सकदे हो पर मैं कल्ला नारियल दा बरादा जिहड़ा उह वरत रही हां, नारियल पाउडर कोकोनट पाउडर। तो तुसीं इहदे विच जे पाउणा है होर कोई भी ड्राई फ्रूट पा सकते हो। मेरा इहदा एक कारण है पाउण दा क्योंकि मैं तुहानूं दस्सदी हां एक मेरी सिस्टर दा बेटा है छोटा 8 साल दा बच्चा है ते उह मैनूं अज्ज पुछ रिहा सी मासी तुहानूं किन्ने क लाइक मिल गए तुहाडी रेसिपीज़ दे ते किन्ने क तुहाडे सबसक्राइबर बन गए। मैं क्या बेटा ज़्यादा नहीं बने थोड़े ही है। तो वह मैनूं कहिंदा मासी तुसीं इदां करो कहिंदा तुसीं मिठिया मिठिया बनाया करो चीज़ा मिठिया चीज़ा ना ज़्यादा पसंद आउंदियां सारिआं नूं फिर तुहानूं बड़े लाइक मिलणगे। मैं क्या ठीक है की बनावा बेटा कहते जो मैं कहूँगा तुम बनाओगे। मैं क्या हाँ मैं बनाऊँगी जरूर बेटा दस। तो वह मैं कहता मासी तुम ना बेसन के लड्डू बनाओ क्योंकि उन्होंने आपू बेसन के लड्डू है जोड़े बहुत पसंद है कहना फिर तुम ना मेरे लिए रख लियो। मैं क्या ठीक है बेटा तो मैं क्या मैं जरूर बनाऊँगी। फिर उन्होंने ड्राई फ्रूट वो वैसे खा लाता पर उन्होंने किसी चीज़ पाया ड्राई फ्रूट का जोड़ा चंगा नहीं लगता उन्होंने प्लेन ही चंगी लगती है इस करके मैं ड्राई फ्रूट नहीं पा रही। ड्राई फ्रूट पाया हो ये बड़ा अच्छा लगता है। तो रखड़ी जी अपना रखड़ी का त्यौहार राखी का त्यौहार वो आ गया तो मैं क्या चलो मैं बना ली है नाले मैं बच्चे भी फिर जोड़े है लड्डू बेसन के खवाऊंगी नाले तो बच्चे का पूरा होजूगा तो नाले मैं वो गल है जी वधिया लगी चंगी लगी गल। मैं क्या भी मैं जरूर बनाने हूँ रात का टाइम है मैं अपने होर सारे काम करके ये बना रही हूँ खड़ी। तो देखो जी हूँ अपना जो कलर है चेंज हो गया बस मैं हूँ 2 मिनट होर भुन ली है फिर आप नारियल का बरादा पा। लो जी अपना बेसन है जोड़ा भुन हो चुका है बिल्कुल चंगी तरह। तो मैं एक गल थोन दसनी चाहागी जिन्होंने कदम पहला नहीं बनाए है इदा की चीज़ नहीं बनाई वो सिर्फ एक कटोरी बेसन लेके इन्नी को एक कटोरी बेसन लेके वो ट्राई कर उतो बाद जो वो ठीक बन गई फिर ज़्यादा क्वॉंटिटी है जी ज़्यादा मात्रा है वो वरतों कर ज़्यादा मात्रा के नाल बना पहला थोड़ी वो बना के देखो। ये देखो जी ये अपना कलर है जोड़ा बिल्कुल चेंज हो गया। देखो बिल्कुल अपना थोड़ा जि घ्यो है 1/2 किलो ये बेसन चाहे सिर्फ 3 जगिया कड़छियाँ ये पाइया है ये कोई ज़्यादा घ्यो नहीं देखने तो हम ये भी लगता होना देखने वाले लगू भी ये लड्डू किमें बच्चे जाने पर जी मैं थोड़ा ये दिखावगी हूँ अपने इस ला के अपने ये जोड़ा नारियल का बरादा रख्या हुआ ये अपने ये पा देना ये नारियल का बरादा एक कड़छी पाई है जी मैं
ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣਾ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਇਹਦੇ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਤੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਸ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਭੁੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਵੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਵਧੀਆ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਸਣ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੇਸਣ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਇਹ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਊਡਰ ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਣ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣਾਈ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੱਡੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਟੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਇਹ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਇਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਮਤਲਬ 3-4 ਚਮਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਸਪੂਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਵੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਸਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕੜਛੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂ ਵੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੱਡੂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੱਡੂ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਣ ਆਪਣਾ ਭੁੱਜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਸਾ ਕੋਸਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਖੰਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੀ 15 ਦਿਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈਗਾ ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਰਲਾਇਆ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਣ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਹ ਮਿੱਠਾ ਰਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਰਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਹੈ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਡੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇਹ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲੱਡੂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ
बिल्कुल जी, जिन्ना मिठा असीं खाने आ साडे लई मिठा पूरा परफेक्ट है, बड़े वधिया लगे।